फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पैनल। दिस इज देवेंद्र सिजाला फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय राजकोट। इन टुडेज वीडियो वी शैल स्टार्ट द लेवल 2 सॉल्यूशन ऑफ ग्रेडेड वर्कशीट फॉर क्लास 5th मैथ्स। लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली। नाउ क्वेश्चन 1, राइट नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। हियर वी कैन सी टू नंबर्स आर गिवन एंड वी हैव टू राइट द नंबर नेम फॉर दीज नंबर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द वेरियस प्लेसेस ऑफ दीज नंबर्स। लेट अस डू दैट फर्स्ट। This is 4 at 1's place, 10's, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. So here we can say that it is 56,34,564. Now come to the second one. See, अगर हमें नंबर नेम लिखने हैं किसी भी नंबर को, तो उससे पहले हमें जो है उसकी प्लेसेस और प्लेस वैल्यू पता बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको लिख पाएंगे। अगर किसी ने लेवल 1 या पार्ट 1 नहीं देखा है तो बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक ओवर हियर यू कैन वॉच पार्ट 1। अगर लेवल 1 देखा है आपने तो लेवल 2 समझना आपके लिए ज्यादा आसान होगा, क्योंकि वो इजी रहेगा। कम टू द सेकंड क्वेश्चन। दिस इज 7046046। सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल विल आइडेंटिफाई द प्लेसेस। 6 एट 1's प्लेस, 4 एट 10's, 0 एट 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000, this is lakh and this is 10 lakh. So we will read it out like 70,46,046. यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है 70,46,046 लिखते हैं, तो and कहीं हमें यूज करना है नहीं, हम लोग डायरेक्टली सीधे नंबर ही लिखेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राइट इन न्यूमरल्स फॉर द गिवन नंबर नेम। यहाँ पर अब हमें नंबर नेम दिए है और हमें इसका न्यूमरल्स लिखना है, तो चलो सबसे पहले 41 लाख, तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले जो है हमें ये पता होना चाहिए, ये लिखा है 41 लाख, तो 41 लाख में कितने जीरोस आएंगे ये हमें पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद लिखा है 33,000, तो 33,000 कैसे होता है, जिसको समझ में नहीं आता वो लोग सिंगल सिंगल नंबर लिख के भी इसको ऐड कर सकते हैं, 652। सो विल राइट इट लाइक दिस, 41 लाख। सी अगर आपको पता हो तो लाख में कितने जीरोस आते हैं, टोटल देखा जाए तो 5 जीरोस आते हैं, तो 41 लाख कैसे करेंगे, 41 और 1 2 3 4 5 जीरोस अगर यहां पर कर देते तो ये 41 लाख हो जाएगा। यहां पर अगर देखा जाए 33,000 लिखा है, तो अगर इन तीनों नंबर की जगह हम जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 33,000 हो जाएगा। फिर 652 वो तो स्मॉलर नंबर है जिसको हम आसानी से लिख सकते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, बी 62,30,742। 62 लाख अगेन हमें पता होना चाहिए, 62 लाख और उसके बाद 5 जीरोस होंगे तभी वो जो है लाख की कैटेगरी में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 62 लाख, फिर लिखा है 30,000, तो यहाँ हो गया 30 और यहाँ 3 जीरो कर देंगे हम तो ये 30,000 हो जाएगा। आफ्टर दैट 742, तो 742 लिखना हमारे लिए उतना टफ नहीं है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमें दो चीजें दी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहली चीज जो दिया है इन्होंने कहा है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है, उसके बाद उसका प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर हमें किसी भी नंबर का अगर पता करना है तो सबसे पहले तो देखते हैं स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 1 लाख। सर ये कैसे हुआ, क्योंकि इससे छोटा अगर कोई नंबर होगा तो वो नंबर कौन सा होगा, 99999, यानी 99,999, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया 5 डिजिट नंबर है हमारा। हमें क्या कहा है कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो सबसे छोटा अगर 6 डिजिट नंबर कोई है तो वो क्या हो गया हमारा, ये हो गया। अब प्रेडिसेसर का मतलब हम समझते हैं। प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है, जैसे हमें अगर 10 का प्रेडिसेसर पता करना है तो हम उसमें से -1 करना पड़ेगा, तो -1 करेंगे तो यहाँ हो गया 9 आंसर आएगा। यानी किसी भी नंबर का अगर हमें प्रेडिसेसर फाइंड आउट करना है तो उससे उससे एक नंबर हम लोग माइनस करेंगे, कम करेंगे तो हमें मिलेगा। तो यहाँ पर प्रेडिसेसर ऑफ देख लेंगे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज 1 लाख इज 1 लाख -1 दैट इज 99,999, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, राइट द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। नाउ सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, अगर आपको ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो आपको पता लगेगा कि जितने भी ग्रेटेस्ट नंबर है वो सारे 9 से एंड होते हैं, उसमें सारे 99 ही रहते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं 1 डिजिट, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट, तो
उसको अगर नेचुरल नंबर में हम काउंट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1, और ग्रेटेस्ट बोलेंगे हम 1 डिजिट, तो ग्रेटेस्ट हमारा 1 डिजिट होगा 9। 2 डिजिट का तो 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 10। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हो गया हमारा? 10। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99। फिर अगेन हम यहां पर आगे देखेंगे, 100 जो है वो क्या हो गया? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 जो है वो हो गया हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। सो इस तरह से 99 वाले नंबर सारे रहेंगे, वो क्या रहेंगे? हमारे ग्रेटेस्ट नंबर रहेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में क्या होंगे? टोटल 6 डिजिट होंगे, यहाँ देख सकते हैं हम 6 डिजिट है, और सभी क्या होंगे? 9 ही होंगे। अगर उसमें हम सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब क्या होता है हमने आगे वाले वीडियो में भी देखा, अगर 10 का सक्सेसर हमें पता करना है तो +1 करेंगे तो 11 मिलेगा। सो यहां पर भी अगर इसका सक्सेसर हमें फाइंड आउट करना है तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे? +1 करेंगे। सो अगर इसमें +1 करते तो हमारा आंसर हो जाता है 10 लाख। सो दिस इज अवर आंसर 10 लाख। 1 स्टैंड 100, 1000 10000, लाख 10 लाख। सो दिस इज 10 लाख। नाउ वी विल फाइंड आउट आंसर फॉर द क्वेश्चन 5, दैट इज राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। अंडरलाइन डिजिट तो दिए है, अब हमें क्या करना है? इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। यानी ये डिजिट जो है वही हमें देखना है और उसी को आइडेंटिफाई करना है, वही उसका फेस वैल्यू हो गया। द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 इन नंबर 394, ये 394 जो दिया है, 394, इसमें अगर 3 का फेस वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो 3 ही रहेगा, 9 का फेस वैल्यू 9 होगा, 4 का फेस वैल्यू जो है वो 4 ही होगा। तो यहाँ पर जो ये 3 है उसका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? उसका फेस वैल्यू होगा 3 ही। नाउ कम मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू इंटू प्लेस करेंगे। तो जैसे ही हम फेस वैल्यू में इनटू करेंगे तो अब यहां पर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो क्या करेंगे, फेस वैल्यू कितना है अंडरलाइन नंबर का? ये जो है 3 है, इसको लिख देंगे 3। इनटू प्लेस कौन सा है? अगर ये 3 का हम प्लेस फाइंड आउट करेंगे तो यहां से 1 स्टैंड 100, 1000, 10000 एंड लाख। तो यहां पर उसका प्लेस कौन सा है? 1 लाख का प्लेस है। तो यहां पर हमने 5 जीरोस कर दिए, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 लाख। इसका जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा? फेस वैल्यू तो 3 है, प्लेस वैल्यू हो गया 3 लाख। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए भी सेम चीज है, फेस वैल्यू तो इसका सेम ही रहेगा, 3 रहेगा। अब इसका प्लेस वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो फेस कितना है? 3 है फेस वैल्यू। अब इसका देखेंगे प्लेस कौन सा है? 1, 10, 100, 1000, 10000, 1 लाख एंड 10 लाख। 10 लाख चलो कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 10 लाख। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3, बाकी के जीरोस को हम ऐसे ही रख देंगे। तो यहां हमारा आंसर होगा 30 लाख। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है इसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 6, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है? ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर जाना होता है। तो सबसे पहले जब भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है तो हमें सबसे पहले एक चीज याद रखनी, पहले तो नंबर ऑफ डिजिट सबके काउंट करो। चलो इसके 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके कितने डिजिट है? 7 डिजिट। इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सबके 7 है। अब क्या, जब सबके डिजिट बराबर हो जाए, देखो बड़ा छोटा, अगर जिसका डिजिट ज्यादा है तो वो नंबर बड़ा होगा, है ना? डिजिट छोटा है वो नंबर छोटा हम लोग मान के चलते हैं। यहाँ तो सबके डिजिट्स बराबर है, अब क्या करना है? चलो अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। कैसे? सबसे लास्ट वाला जो नंबर है लेफ्ट साइड में, वहां ये 7 है, ये 5 है, तो बड़ा क्या हो गया? 7 हो गया, ग्रेटर हो गया। ये 9 है तो सबसे बड़ा ये हो गया, क्योंकि 7 से बड़ा भी 9 है। ये 4 है तो ये हमारा हो गया नंबर 1 पर। अब इसको हटा देंगे क्योंकि इसका कंपेरिजन हो चुका है, ये नंबर 1 पर है। अब तीन नंबर को हमें कंपेयर करना है, 7 ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है, 4 ग्रेटर है। तो देखा जाए तो 7 जो है वो क्या है? ग्रेटर है, तो वो हो गया हमारा नंबर 2 पर। फिर 5 और 4 को कंपेयर करेंगे, उसमें अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 3 पर होगा, ये नंबर 4 पर होगा। तो हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं, डिसेंडिंग मींस बिगेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर हमें जाना है।
सबसे पहले क्या करना है, काउंट द टोटल डिजिट्स, हमने काउंट कर लिया, उसके बाद नंबर को कंपेयर करना है। कहां से कंपेयर करना है, लेफ्ट से लेके राइट साइड हमने कंपेयर किया, तो हमारा आंसर हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा 1 था, सही है, 78 वाला हमारा ये 2 है, 55 वाला 3 है, 47 वाला हमारा 4 है, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो वैसे भी, अगर बड़ी नंबर्स इजी याद रह रहा है तो 90 लाख हो गया ये 78 लाख हो गया, ये 55 लाख हो गया, ये 47 लाख हो गया, इस तरह से भी इसको रीड कर सकते हैं। नाउ राइट इन शॉर्ट फॉर्म, एक्चुअली ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो, क्योंकि इसको अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो सबको ऐड कर दो। ऐड कैसे करें, चलो सबसे पहले नंबर्स अच्छे से लिख दो। सबसे पहला नंबर कौन सा है, 1 लाख है, उसके बाद 20,000, याद रखो उसको यहां से लिखना चालू करना है ना। अगर किसी ने यहीं से लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद है 6,000 है, ये 6,000 हमने कर दिया। उसके बाद क्या है 800, उसके बाद क्या है 90, उसके बाद क्या है 4 है। चलो अब जो जो जगह खाली रह गई वहां सब जगह जीरो कर दो, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई गड़बड़ी हो नहीं। ये सारे जीरो कर देंगे हम, ये जीरो कर दिया हमने। अब चलो इसको कर देंगे 4, ये 9 यहां कर देंगे, ये वाला जीरो, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, कॉमा ये 6 है, उसके बाद ये 2 है और ये 1 है। इसका आंसर हुआ 1,26,894। एक्चुअली जब बोलते हैं तो एंड बीच में आ जाता है, लेकिन एंड लिखने के टाइम हम लिखना है नहीं, सो इसका करेक्ट आंसर होगा 1,26,894। मोन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ऐड करना है तो सिंपल करना है, हम क्या करेंगे पहले लिख लेंगे इसको 33 लाख, फिर आएगा 80,000, 1, 2, 3 और ये 80,000 हो गया, फिर आएगा 1,000, सो 1 एंड 3 0, उसके बाद आएगा 800, उसके बाद आया सीधा 7। अब जो जगह खाली है वहां जीरो हम लोग इसीलिए भरते हैं ताकि आपको एडिशन करने के दौरान कोई कंफ्यूजन हो नहीं, और कोई रीजन नहीं है। आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है ऐसे ही तो इसको जीरो करके हम छोड़ देंगे। अब इन सब नंबर को क्या करना है, हमें प्लस करना है, चलो कर देंगे। इस लाइन में सिर्फ 7 है तो आंसर हो गया 7, इस लाइन में देखो कुछ भी नहीं है 0, यहां पर सिर्फ ये 8 है, अगेन 1 है, फिर एक और 0 डाल देते हैं, ये हो गया 8 और ये हो गए 33, तो हमारा आंसर क्या हो गया 33,81,807, ये हमारा आंसर है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 10 लाख टू 10 लाख 10। देखो अब हम पहले तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं उसको फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये आ गया, इसमें अगर प्लस 1 करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, अगर 10 लाख लिखा है यहां पर, ठीक है ना, ये 10 लाख हो गया, तो अगर 10 लाख 1 लिखना है तो यहाँ 1 लिख देते। अरे नहीं नहीं ये गलत है, यहां पर नहीं आएगा 1, इसकी जगह यहाँ अगर प्लस 1 करेंगे हम तो प्लस 1 कैसे होगा, यहां पर होगा, ये गलत है। इसका आंसर कैसे आएगा, ऐसे आएगा 001, सो इस तरह से आएगा, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, ऑड नंबर्स पूछा है, तो ऑड नंबर्स किसको बोलते हैं, नंबर्स एंडिंग विथ 1, 3, 5, 7 एंड 9। अगर कोई नंबर इनसे एंड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम ऑड नंबर बोलेंगे। चलो देख लेते हैं इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखा जाए तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, तो एक तो ये ऑड है, ये एंड 3 हो रहा है ऑड है, 5 से एंड हो रहा है ये ऑड है, 7 से हो रहा है ये ऑड है, और 9 से हो रहा है ये ऑड है। तो देखेंगे तो ये जो सारे हमारे जो है ऑड नंबर्स में काउंट होते हैं, तो ये सारे नंबर्स जो है हमारे आंसर्स हो जाएंगे। आपको सिर्फ 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर्स ही लिखने हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।